मध्य प्रदेश में रोजाना सड़क दुर्घटना के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला उज्जैन जिले से आया है, जहां फेरी लगाकर बाइक से चीनी के बर्तन बेचने जा रहे एक युवक को गैस सिलेंडरों से भरे हुए ट्रक ने रौंद दिया। इस हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं चालक घटना स्थल से फरार हो गया। दरअसल उज्जैन में सेंट पॉल मार्ग टर्न नए चिमनगंज थाने के सामने गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक ने फेरी लगाकर चीनी के बर्तन बेचने वाले युवक को रौंद डाला। ट्रक फंसी बाइक को करीब 50 फीट तक घसीटते हुए नाले के पास रुका। इस दौरान चालक चलते ट्रक से कूदकर भाग गया। पुलिस ने युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जयराम के भाई विष्णु ने बताया कि इतने दिनों से लॉकडाउन लगा था, इस कारण जयराम ने काम बंद कर दिया था। 1 जून को लॉकडाउन खत्म हुआ तो उसने फिर से काम शुरू किया था। थाना चिमनगंज के अंतर्गत जो एक रोड है, चिमनगंज मंडी चौराहे से जो MR5 है, उसमें सेंट पॉल स्कूल के पास में एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक ट्रक जिसमें सिलेंडर भरे हुए थे और एक बाइक से में टक्कर हुई और उसमें एक बाइक सवार की मौके पर ही डेथ हुई है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 304 एक अपराध पंजीबद्ध किया है और ट्रक को भी जब्त किया गया है, वाहन चालक को गिरफ्तार किया है और जो मृतक था उसकी पहचान हुई है और वो कहीं गांव का रहने वाला था। और